अस्सलाम वालेकुम मैम, सलाम, कैसी हैं आप? मैम थैंक यू फॉर कमिंग, आप आई, आपने हमारा मेडिकल कैंप ज्वाइन किया। आपके क्या व्यूज़ हैं वुमेन केयर सेंटर के हवाले से, और आज मेडिकल कैंप में आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत सारे पेशेंट्स भी आप लेके आए, तो उसके हवाले से आप थोड़ा सा? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो ये जो इलाका है बरकी का, और ये हदियाला के आगे है, बरखा है, ये इलाकों में लोगों को आना और मेडिकल फैसिलिटीज के लिए कम है। ये लोग जाते हैं ज्यादातर से ज्यादा जो बड़ा BHU हमारा बनाया हुआ है बरकी में, या कोरिया में जाती हैं, या ये जाती हैं फिर बड़े हॉस्पिटल्स में। तो यहाँ एक फैसिलिटी आप लोग ने जो नसरीन ने निकाली है और बनाई है यहाँ, तो ये बहुत अच्छा है इस इलाके की खवातीन और बच्चों के लिए। खास तौर पे ये थोड़ा सा आसानी हो जाती है कि हर हफ्ते ये आकर यहाँ अपना एक कैंप होता है मेडिकल फ्री। और दूसरा कि आप लोग यहाँ रोजाना भी दो चार पेशेंट्स, थोड़े से पेशेंट्स जिनको जरूरत है, वो उनको पता चल जाए, वो उनका एक डिस्पेंसरी, वो मैंने भी देखा। मगर जो सबसे अच्छी बात है जो खवातीन के साथ, खास तौर पर खवातीन और बच्चों के साथ मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, जब आपका काम कम होता है, आपका शौहर काम नहीं करता, तो आपको दिमाग पे बोझ होता है, तो ब्लड प्रेशर होता है, लोगों के बहुत सारे मसले होते हैं इसी वजह से, क्योंकि टेंशन ज़्यादा होती है। तो ये जो फैसिलिटी है, ये आप लोग ने उनके दिमाग के लिए, सुकून के लिए साइकाइट्री साइकोलॉजिस्ट रखे हुए, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ है कि जो नशा करते हैं उनके लिए आप लोग ने ये फैसिलिटी जो खोली हुई है। नशा तो आपको पता है कि पाकिस्तान का कहते हैं कि पांचवें नंबर पे हम आ गए हैं, मगर मुझे लगता है कि हमारा नंबर शायद तीसरे पे होगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे भी नहीं आती। तो अगर आपके पास एक अच्छी सी फैसिलिटी है यहाँ, जहाँ लोग रह सकते हैं और उनकी रिहैबिलिटेशन हो सकती है, तो ये बहुत बहुत एक, ये अल्लाह मियाँ की तरफ से आप लोग को एक इसकी अजर मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि हमने यहाँ आज देखा है, यहाँ कैंप लगा हुआ है, आते जाते रहे हैं लोग पूरे दिन, सुबह से लेके अभी तक तो लोग सुबह साढ़े, आई थिंक आप लोग ने 10 बजे से ही खोल रखा है, तो अभी तक देखें, अभी यहाँ कोई 12 बज रहे हैं, तो काफ़ी लोग आ गए हैं, ख्वातीन आई हैं, उनके छोटे मोटे दर्द होते हैं इस मौसम में, ख़ास तौर पे बच्चे बीमार होते हैं, लोगों बूढ़े हो गए हैं उनके, और अमीमिक है बहुत सारे बच्चे जो हैं, ख़वातीन जो हैं, उनको आप लोग फैसिलिटेट करते हैं। PTI तो हमेशा करती है, मगर के और भी लोग कर रहे हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह की दया है, मेहरबानी, बहुत खुशी भी आपसे मिलकर। तो मैं कहती हूँ कि ये एक अल्लाह का अजर है, ये अल्लाह की तरफ से एक आप लोग को इंशाल्लाह दुआएं मिलेंगी, लोगों की दुआएं, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर और यहाँ आपके साथ जो कि बात करने के लिए लोगों के साथ, किस तरीके से उनके जो हालात हैं, आपको पता है कि खाने को कम होता है, पूरे गजा ठीक नहीं होती, आजकल तो अंडे महंगे हो गए हैं, तो सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, बच्चों को आप क्या खिलाओ, और बस यही बात है कि बच्चे तो भूख से तड़प हैं, सबको एनीमिया है, सबको, और औरतों को होता है तो फिर तकलीफें होती हैं, औरतों को जब एनीमिया होता है और कैल्शियम की कमी होती है, तो जोड़ों में, पठों में, सब में दर्द होता है, स्किन बहुत हो जाते हैं। तो मैं आप लोग को फिर एक दफ़ा कहूँगी कि कीप अप द ग्रेट वर्क, थैंक यू मैम, इट इज़ वंडरफुल, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड फैसिलिटी दैट यू हैव स्टार्टेड।